तो कैसे हैं आप लोग। आज हम दीपिका पादुकोण की आने वाली 8 बड़ी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो कि 2021 से लेके 23 के बीच में रिलीज होने वाली है। इनकी लाइनअप बहुत ही बड़ी है, बहुत ही शानदार है और काफ़ी अच्छी है, तो प्लीज़ एक भी फिल्म को मिस मत करना। अगर आप दीपिका पादुकोण के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म होगी। फिल्म में दीपिका पादुकोण फिटनेस ट्रेनर का रोल प्ले करने वाली है। फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे की रोल प्ले करने वाली है। इस फिल्म की कहानी रिलेशनशिप पर बेस्ड होगी। फिल्म को डायरेक्शन दे चुके हैं शकुन बत्रा, जो कि एक मैं और एक तू और कपूर अंसन जैसी 2016 की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बना चुके हैं और ये फिल्म 2022 के स्टार्टिंग तक रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। नंबर 7 बैजू बावरा, ये संजय लीला भंसाली की आने वाली एक मैग्नम ओपस फिल्म है। ये फिल्म एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म होगी। फिल्म में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दिखाई दे सकते हैं। ये संजय लीला भंसाली की आने वाली ड्रीम फिल्म है। इस फिल्म से पहले दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह संजय लीला भंसाली के 3 बड़ी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं, जैसे कि रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत। और ये फिल्म 2023 तक रिलीज होने वाली है और ये फिल्म की शूटिंग 2022 से शुरू हो जाएगी। Hard not to. I will email you when I have something for you to do. I'll wait to hear from you, sir. ये फिल्म द इंटर्न, जो कि एक अमेरिकन फिल्म थी, उस फिल्म का हिंदी एडेप्टेशन होगा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण की रोल प्ले करने वाली हैं। इस फिल्म से पहले ये जोड़ी हम सभी को पीकू जैसे बेहतरीन फिल्म में नजर आ चुकी है, तो मुझे इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। ये फिल्म कॉमेडी ड्रामा फिल्मों की, फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं अमित शर्मा, जो कि बधाई हो जैसी प्रॉफिटेबल फिल्म बना चुके हैं। उनकी मैदान, जो कि जल्दी रिलीज होने वाली है, फीचरिंग अजय देवगन, और ये फिल्म समर 2022 तक रिलीज होगी। नंबर 5 प्रोजेक्ट के, ये इंडियन सिनेमा के आने वाली अब तक की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस फिल्म में हम सभी को प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन जी दिखाई देने वाले हैं। डायरेक्शन दे रहे हैं नाग अश्विन, जो कि महानदी जैसे TFI की बेस्ट हिस्टोरिक फिल्म बना चुके हैं टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। अकॉर्डिंग टू माई रिपोर्ट, इस फिल्म की कहानी 2015 में सेट है। ये फिल्म काफ़ी यूनिक और काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है। इस फिल्म का बजट 550 से लेके 580 करोड़ के बीच में होने वाला है, ऐसा फिल्म के प्रोड्यूसर ने कहा था। और ये फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली है और ये इंडियन सिनेमा की आने वाली पहली पैन वर्ल्ड फिल्म होगी। महाभारत पर भी दीपिका पादुकोण की एक बड़ी फिल्म आने वाली है, जिसमें वो द्रौपदी का कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म में महाभारत को द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा। इस फिल्म को मधु मंटीना और दीपिका पादुकोण मिलकर प्रोड्यूस करने वाली हैं। इस फिल्म को बनने में थोड़ा समय लगने वाला है, थोड़ा नहीं ज़्यादा समय लगेगा। तो आप लोग इस फिल्म में द्रौपदी के कैरेक्टर में दीपिका पादुकोण को देखना पसंद करोगे, हाँ या ना, लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। नंबर 3 पठान, पठान एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण एक सुंदरी एजेंट का रोल प्ले करने वाली हैं, मतलब एक काफ़ी अच्छी एजेंट का रोल निभाएंगी। और ये फिल्म में शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की रोल प्ले करने वाली हैं। फिल्म में डिंपल कपाड़िया, सजी चौधरी, गौतम रोड़े और आशुतोष राणा जैसे प्रॉमिसिंग एक्टर इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल प्ले करने वाले हैं। डायरेक्शन दे रहे सिद्धार्थ आनंद और ये फिल्म 2022 के मौके पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को YRF के बैनर तले बना रहे हैं और ये फिल्म का म्यूजिक विशाल और शेखर कंपोज कर रहे हैं। तीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। नंबर 2 फाइटर, फाइटर इंडियन सिनेमा की आने वाली पहली एरियल एक्शन फ्रेंचाइज होने वाली है। इस फिल्म को 250 करोड़ के बजट पर बनाया जाएगा और ये फिल्म मॉफ्लिक्स और वाइकॉम 80 स्टूडियोज के बैनर तले बनने वाली है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ साथ दीपिका पादुकोण भी एक्शन करते हुए दिखाई देने वाली है। डायरेक्शन दे रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, जो कि आप सभी को मालूम है वॉर और बैंग बैंग जैसी बड़ी फिल्में बना चुके हैं। और ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होगी 2023 के मौके पर। इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा में रिलीज करने वाले हैं, मतलब ये फिल्म एक बहुत ही बड़ी पैन इंडिया फिल्म है। नंबर 1 रामायण, रामायण इंडियन सिनेमा की आने वाली अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण सीता माँ का रोल प्ले करने वाली है। फिल्म में ऋतिक रोशन और महेश बाबू दिखाई दे सकते हैं। इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले नितेश तिवारी और रवि उदेवर। नितेश तिवारी जो कि दंगल जैसी जबरदस्त कमाई करने वाली फिल्म बना चुके हैं, रवि उदेवर जो कि मॉम जैसी पावरफुल फिल्म बना चुके हैं, तो इस फिल्म से उम्मीद कर सकते हैं। इस फिल्म को 3 पार्ट में रिलीज करने वाले हैं। इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम बहुत ही तेजी से चल रहे हैं। ऑस्कर विनिंग आर्टिस्ट इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन के काम पर जोरों शोरों से लगे हुए हैं और ये फिल्म का पार्ट 1 2023 तक रिलीज होने वाला है। तो ये थी दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म है। वो 83 फिल्म में भी नजर आने वाली है, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम कम होगा, इसलिए इस लिस्ट में उस फिल्म को मैंने ऐड नहीं किया है। होपफुली आप सभी को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और ये रहा लिस्ट, आप लोग कौन से फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, एक फिल्म का नाम कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताना। मैं एक फाइटर के लिए वेट कर रहा हूँ, एक पठान के लिए वेट कर रहा हूँ और
एक फिल्म है शगुन बत्रा की, उस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। आप लोग इस फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, लिख कर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।